दोस्तों, एक समय की बात है कि एक कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत ही शानदार रिजल्ट लेके आया, इसलिए मैनेजमेंट ने उसको गिफ्ट के तौर पे साइकिल दिया। दोस्तों, ये साइकिल लेके जब अपने घर गया तो उसने देखा कि उसकी उसने सोचा कि मैं अपनी वाइफ को सरप्राइज देता हूँ। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वाइफ जो होती है वो गलती निकालने में नंबर वन होती है, मास्टर होती है। उसने सोचा था कि जैसा ही ये गिफ्ट मैं अपनी वाइफ को दिखाऊंगा, वाइफ खुश हो जाएगी। वाइफ ने देखा ध्यान से, जिस तरीके से पिक्चर में दिखाई दे रहा है, कि बड़े ध्यान से देखा वाइफ ने कि इसमें साइकिल तो बहुत ही शानदार है, लेकिन एक समस्या है कि साइकिल में कैरियर नहीं है। तो उसने अपने हस्बैंड को बताया कि आपको साइकिल कैसी दिया मैनेजमेंट ने, आपको तो पीछे कैरियर नहीं दिया है। तो उस व्यक्ति ने मैनेजमेंट से बात किया दूसरे दिन कंपनी में जाके कि सर, साइकिल तो मिला लेकिन मुझे आपने पीछे कैरियर नहीं दिया है। तो जब वो उसको एक्सचेंज करके दिया, नई साइकिल दिया, और वो कुछ सामान परचेज किया अपनी वाइफ के लिए, जैसे पिक्चर में देख रहे हो आप। तो वो अपनी वाइफ को मिलने के लिए गया, लेकिन वाइफ तो आपको पता ही है मास्टर है। तो उसने दूर से ही पता कर लिया कि साइकिल इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैरियर तो आ गया लेकिन स्टैंड नहीं दिख रहा है। जैसे ही वो उनके पास गए तो अरे बोले, ये क्या हो गया, पहले जब आए थे साइकिल के पास स्टैंड था तो कैरियर नहीं था, अब कैरियर है तो स्टैंड नहीं है। तो उस व्यक्ति ने मैनेजमेंट से पूछा कि सर, ऐसा कैसे हुआ, मेरी साइकिल से आपने कैरियर तो दे दिया लेकिन स्टैंड निकाल लिया। तो मैनेजमेंट ने बोला, दोस्त ऐसा है, हमारी कंपनी का नियम है, उसूल है कि हम या तो कैरियर दे सकते हैं या स्टैंड दे सकते हैं, आप दोनों में से एक ही ले सकते हो, दोनों नहीं मिल सकता। दोस्तों, इस स्टोरी में बहुत ही एक जानदार जीवन का एक सबक है कि जिंदगी में जो लोग सिक्योरिटी से प्यार करते हैं उनको कभी फ्रीडम नहीं मिल सकता, और फ्रीडम वालों को कभी सिक्योरिटी नहीं मिल सकती दोस्तों। और मेरा तो ऐसा मानना है कि असली फ्रीडम ही असली सिक्योरिटी है। मतलब कि जिन लोगों का जॉब है, जिनके पास स्टैंड है, जिनकी कुछ इनकम फिक्स है, उनके पास जो है फ्रीडम नहीं हो सकती, सिक्योरिटी नहीं हो सकती, कैरियर नहीं हो सकता। लेकिन लता मंगेशकर है, लता मंगेशकर हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गया, इन लोगों का कैरियर है। जो लोग कैरियर डिपार्टमेंट में होते हैं वो कभी रुक नहीं सकते। अमिताभ बच्चन आज भी मूवी कर रहे हैं, सचिन आज भी काम कर रहा है, महेंद्र सिंह धोनी आज भी काम कर रहे हैं, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप जानते हो कि बरसों हो गए, बूढ़े हो चुके, रतन टाटा जी की उम्र बहुत हो चुकी है लेकिन वो फिर भी आज काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कैरियर में है। जो लोगों के पास कैरियर होता है वो रुक नहीं सकते। आपको पता है कि साइकिल में अगर स्टैंड नहीं, अगर वो पैडल मारना बंद कर देंगे तो वो साइकिल रुक जाएगा, गिर जाएगा। और जो लोगों के पास स्टैंड होता है लाइफ में, वो लोगों का कभी कैरियर नहीं हो सकता। जीवन दोनों में से आपको एक ही देता है। और गहराई से अगर मैं बात करूं तो असली जो सिक्योरिटी है वो फ्रीडम में ही है। अगर आपके पास फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम दोनों है तो उससे बड़ी सिक्योरिटी कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोगों को जीवन में ये दुविधा है कि किसी चीज़ का फिक्स होना सिक्योरिटी नहीं होता है। सिक्योरिटी शब्द अपने आप में बहुत ही उम्दा बड़ा शब्द है दोस्तों। गरीब लोगों की सिक्योरिटी ना गरीब जैसी ही होती है। आपका पगार अगर 10,000 है, 20,000 है, तो शायद आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने अपना वैल्यू नहीं बढ़ाया है लाइफ में, आपने अपने स्किल को इम्प्रूव नहीं किया है। आप अभी इतने मूल्यवान वैल्यूएबल नहीं बने हो जीवन में कि जिससे आपकी आमदनी बढ़े और आमदनी के साथ आपका जो है वैल्यू बढ़े लाइफ। तो मार्केट वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको रात दिन प्रयास करना चाहिए और अपनी स्किल को और इम्प्रूव करते रहना चाहिए लाइफ टाइम के लिए। जीवन आप में आपको दोनों में से एक ही प्रदान करेगा, या तो आप कैरियर ले लीजिए या स्टैंड ले लीजिए। बोलिए आपको क्या चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, आपको स्टैंड चाहिए कि आपको कैरियर चाहिए। अगर कैरियर चाहिए तो सी लिखिए और स्टैंड चाहिए तो एस लिखिए। दोस्तों, एक और बहुत ही जबरदस्त एक सीक्रेट है, सीक्रेट बोलो या एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है कि जो गरीब लोग हैं वो अपनी जिंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, सबसे पहले नंबर पर होता है सिक्योरिटी, फिर सेकेंड नंबर पर होता है कम्फर्टेबल, और तीसरे नंबर पे उनका होता है बिकमिंग अ रिच, अमीर बनना। तो दोस्तों, लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनका पूरा उल्टा होता है, वो सबसे पहले तवज्जो देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं
प्रायोरिटी उनके लिए होती है रिच, फिर सेकंड नंबर पे उनका होता है कंफर्टेबल, और तीसरा नंबर पे उनका जो होता है सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी को सबसे लास्ट में रखते हैं, सबसे टॉप में उनके लिए होता है अमीर बनना, रिच बनना। उनकी हर हरकत जो है वो इस तरीके से होती है, और गरीब लोगों की सबसे पहली जो इम्पोर्टेंस होती है सिक्योरिटी। लेकिन मेरे लिए ऐसा मेरा मानना है कि गरीब लोगों का जो सिक्योरिटी होता है वो भी एक गरीब जैसा होता है, उनका सिक्योरिटी होता ही। और अमीरों को पता है कि असली सिक्योरिटी जो है वो असली आज़ादी में है। अगर उनके पास टाइम और मनी फ्रीडम दोनों है तो सिक्योरिटी अपने आप वहाँ बैठी है। आपके अकाउंट में अगर 2-5 करोड़ रुपया पड़ा हो तो आपको पता है कि आप कैसा महसूस करोगे, वो सिक्योरिटी है, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी विडम्बना है। और आपको मेरा एक अनुरोध है कि आप सोचिए, इस संसार में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। पता नहीं आप किस चीज़ को सिक्योरिटी मानते हो, कोई किसी चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। आपका शरीर को कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपके जीवन में कुछ भी घटनाएं घट सकती है, किसी कंपनी के साथ भी कुछ घटना घट सकती है, गाड़ी के साथ घटती है। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, परिवर्तन ही परमानेंट है। यस दोस्तों, परिवर्तन ही परमानेंट है। परमानेंट चीज़ें कुछ भी संसार में है नहीं। तो आप स्टैंड की जो खोटी सी आपने धारणाएं जो पाल रखी है उससे आपको बाहर आना चाहिए। आपके लिए जो परिवर्तन है वही मेन है, चलते रहना चाहिए। आपको कैरियर ओरिएंटेड पर्सन बनना चाहिए, न कि आपको स्टैंड ओरिएंटेड पर्सन बनना चाहिए। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या पसंद है। कैरियर पसंद है तो सी लिखिए, और स्टैंड पसंद है तो एस लिखिए। अगर आपको स्टैंड पसंद है दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि आपको इस बिजनेस में घुटन सी महसूस होगी, और एक दिन धीरे 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 आप थक जाएंगे और एक दिन आप चले जाएंगे। और जो लोग कैरियर ओरिएंटेड है उनको कभी रुकना नहीं चाहिए। सफलता एक बहुत बड़ी गहरी बात कहता हूँ आपको, पता नहीं आप लोग इसको चीज़ को समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके फिर कभी। दोस्तों सफलता जो है वो एक जर्नी है, सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है कि जहाँ पे बैठ के आप आराम कर सको। सफलता आज या आप डेली सफल होके घर आते हो, आज आप सफल ही हो। और इस चीज़ को समझना है हमें कि कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है कि जहाँ पे बैठ के आप बहुत ही शांति से आराम कर सको। चलते रहना है, अपने आप को खुश होने के लिए काम मत कीजिए, आप खुश होकर काम करें। खुशी को ढूंढने के लिए काम मत करें, खुश होके काम करें। जबरदस्ती काम मत करो, जबरदस्त होके काम करो दोस्तों। और कैरियर ओरिएंटेड पर्सन बने, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कैरियर ओरिएंटेड हैं या स्टैंड ओरिएंटेड हैं। धन्यवाद।